Good morning, students. Class plus two. कल हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की थी. 7.1 के फर्स्ट टू सम किए थे. आज सम नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फिफ्थ देखें. सेकंड का फिफ्थ पार्ट. लेट वाई इज इक्वल टू, लेट वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर. ये गिवन है. मैंने आपको बताया था सबसे पहले इसमें हाईएस्ट जो पावर है, ऊपर वाली पावर है, उसका रूट डिफरेंशियल करेंगे. तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स. इस रूट का डिफरेंस क्या जाए 1/2 सेम फंक्शन 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर. इस रूट का डिफरेंशियल होने के बाद अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 प्लस इस रूट का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2 रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर. सेम इस रूट का डिफरेंस 0 फिर आगे इनटू अगर यहाँ कर रहा हूँ मैं 4 का डिफरेंस 0 प्लस रूट का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू. अब इस 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x. तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 2x डिवाइड बाय रूट ऑफ देखो 2 जा 4 4 2 जा 8. ये फर्स्ट फंक्शन 4 प्लस रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू नेक्स्ट 4 प्लस रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर नेक्स्ट रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आपका रिजल्ट आ जाता है. 2 से कैंसिल आउट कर दो 2 4 8. इस ये आपका रिजल्ट आंसर आ गया. नेक्स्ट है पार्ट नंबर आप 7th देखें. सेकंड का 7th पार्ट सम नंबर सेकंड पार्ट नंबर 7th क्या बोल रहे हैं. वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन सॉरी प्लस वन माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. देखो ध्यान दें इसमें यू बाई वी फॉर्मूला लग जाएगा. यू बाई वी क्या मेथड लगाया था. हाँ राजा राम राम भाई. v सेम डिफरेंशियल ऑफ u, u सेम डिफरेंशियल ऑफ v डिवाइड बाय v स्क्वायर. ये आपका रिजल्ट. इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे. देखें कैसे करेंगे. dy बाय dx डिनोमिनेटर सेम डिफरेंशियल न्यूमेटर का डिफरेंस रूट 1/2 सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू 2x 1 का 0 माइनस रूट का डिफरेंस 1/2 सेम एक्स स्क्वायर का इंटू 2x माइनस न्यूमेटर सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डिफरेंशियल डिनोमिनेटर का
करो डिफरेंशियल नीचे वाले का, 1/2 सेम एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x प्लस प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर ले, इसको सोल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सभी। सोल्व कर लें इसको, रिजल्ट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। थर्ड सम देखें, सम नंबर थर्ड, सम नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू 3 माइनस यू डिवाइड बाई 2 प्लस यू एंड u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 4x अपॉन रूट माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx आपको फाइंड आउट करना है। तो या तो इसको du बाई dx चैन रूल से कर लें या फिर डायरेक्ट पुट कर दें, डायरेक्ट वाला इजी रहेगा। 3 माइनस यू वैल्यू ऑफ यू की पुट कर दें, 4x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले ले इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x कैंसिल आउट। इसको सोल्व करें, 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइड बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। सोल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, y इज इक्वल टू माइनस कॉमन लें 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 सेम माइनस कॉमन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 कैंसिल आउट। अब आगे इसको u बाई वी से कर लेना, u बाई वी का डिफरेंशियल से सोल्व कर लेना। सम नंबर फोर्थ है, फोर्थ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने जो गिवन है, डिफरेंस करो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 माइनस रूट का डिफरेंशियल 1 बाई 2 सेम फंक्शन। अब रूट के अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट। आगे देखें डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये डिवाइड में इधर रह के आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस कॉमन ले लें एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू क्या थी वाई, तो पुट कर दें रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यह क्या करोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करने के बाद देखो ये आगे कैसे करोगे, स्क्वेयर कर दो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई ऑफ स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। अंडरस्टैंड, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, हेंस दैट इज प्रूफ।
नेक्स्ट है फिफ्थ सम है इस एक्सरसाइज का, लास्ट सम है। y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस वन अपॉन x प्लस वन। प्रूव करना है आपको dy by dx इज इक्वल टू वन अपॉन x प्लस वन रूट x स्क्वायर माइनस वन, ये आपको प्रूव करना है। तो करें सॉल्व इसको, dy by dx पहले रूट का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2, मैंने क्या बताया था आपको सेम फंक्शन, अब डिफरेंशियल अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंस क्या है u by v। देखो नीचे वाला सेम, x का डिफरेंस 1-0 हो जाएगा, x का डिफरेंस 1 का 0 माइनस, ऊपर वाला सेम नीचे वाला का 1+0 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, तो x प्लस वन स्क्वेयर ये हो जाएगा x+1 स्क्वेयर। सोल्व कर लें इसको 1/2, इसको क्या लिखते हैं x-1/2 ये ऊपर चली जाएगी x+1/2 इंटू x+1 माइनस ओपन करेंगे -x+1 डिवाइड बाई x+1/2 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा x+1/2 टू इंटू एक्स माइनस ये 2 है सॉरी x-1/2 इंटू 2/x+1/2। देखो x+1 से इसकी ये पावर कैंसिल आउट, तो 3/2 बच जाएगी यहाँ पर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, वन डिवाइड बाई x-1/2 में से हाफ पावर कैंसिल होगी, तो x+1/3/2। इसको हम कैसे नोट करेंगे, x-1/2 x+1/2 और x+1/1, ये क्या हो जाएगा आगे देखो 1 अपॉन ये हो गया दोनों की पावर हाफ, तो x-1 x+1/2 तो इसको हम रूट लगा दें इंटू x+1। इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x+1 इंटू रूट ऑफ x²-1, ये आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 7.2 कल करेंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे सेंड करें। थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।